हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए मशरूम और ब्रोकली सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सूप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें जो दोनों मेन चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक मशरूम और दूसरा ब्रोकली, दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। विंटर्स में आप ये सूप ज़रूर बनाएं, या अगर आप अपने वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो भी आप ये सूप बना सकते हैं। वेट लॉस में ये दोनों ही चीज़ें बहुत मदद करती हैं। तो चलिए फिर अब देर नहीं करते और फटाफट से इसकी हम रेसिपी देख लेते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है। बड़ी लहसुन की कलियाँ थी इसलिए मैंने दो ली हैं। अगर आपके पास छोटे साइज की हों तो आप 3 से 4 लें। अब इसको मैं सबसे पहले तो बारीक काट लूँगी। जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप काटें, नहीं तो अगर आप चाहें तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। बट इसका आपको पेस्ट नहीं डालना है, पेस्ट नहीं यूज़ करिएगा। बाकी कट या फिर कद्दूकस जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे ब्रोकली। तो ब्रोकली के अगर बड़े फूल हों तो 4 लें, अगर छोटे हों तो आप 5-6 ले सकते हैं। ब्रोकली लेने के बाद इसको भी हम चॉप कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको रफली चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं चाकू से ही इसको चॉप कर रही हूं, इसी तरीके से आप भी इसको चॉप कर लीजिएगा। इसके बाद अब मैं मशरूम ले रही हूं। तो यहाँ पे मैंने 7 मशरूम लिए हैं, ये मीडियम साइज के हैं। अच्छी तरीके से इनको वॉश कर लें और उसके बाद इसको भी हम कट करेंगे। तो इसको भी हमें बारीक ही कट करना है, ये आराम से कट हो जाते हैं। तो इसको भी मैं चाकू से ही कट कर रही हूँ। तो जितना बारीक हो सके उतना इसको भी आप कट कर लीजिएगा। तो बस इसी तरीके से सारे मशरूम को हम चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। ये सूप भी मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे करीब 1.5 से 2 चम्मच में ऑलिव ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद जो लहसुन मैंने चॉप करके रखा था, सबसे पहले तो लहसुन डालूंगी। लहसुन डालने के बाद करीब आधे मिनट के लिए उसको पकाऊंगी और उसके बाद फिर उसमें मैं डाल दूंगी ब्रोकली जो कि मैंने चॉप करके रखी थी। इसको अब एक बार हम इस तरीके से चला लेंगे और चलाने के बाद फिर जो हमने मशरूम रखे हुए थे चॉप करके, वो मशरूम हम इसमें डाल देंगे। मशरूम डाल के एक बार और इसको हम चला लेंगे और मशरूम डालने के तुरंत बाद ही फिर इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक यहाँ पे मैं करीब 1.5 चम्मच डालूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, करीब 1/4 चम्मच डाल रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ब्लैक पेपर हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो ये भी ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसको थोड़ी देर में इसी तरीके से पकने दूंगी। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये इस तरीके से पानी छोड़ देगा मशरूम। तो बस अब इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी सूख ना जाए। और जब ये पानी सूख जाएगा आप देख लेंगे, ये इस तरीके से सूख जाएगा पानी। तो बस जब ये ऐसे होगा तो इसके बाद फिर इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कप बनाना है सूप, तो यहाँ पे मैं 4 कप पानी के डाल रही हूँ, 1 कप एक्स्ट्रा। अब एक बार इसको हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे, कम से कम भी 5 से 7 मिनट, क्योंकि जो 1 कप एक्स्ट्रा हमने पानी डाला है वो भी अच्छी तरीके से बॉईल होके 3 कप ही रह जाना चाहिए। तो इसलिए इतना इसको हमें बॉईल करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसको 5 मिनट हो गए हैं, ये कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। अब जो इसकी क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी विनेगर। विनेगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर डालना है तो डालें, नहीं डालना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, बस 1 ही चम्मच विनेगर डाल रही हूँ।
इसके बाद अब मैं क्या करूंगी, मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने विनेगर डाला था तो गैस का फ्लेम लो कर दिया था। अब मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं रह जाने चाहिए, एकदम लम्ब फ्री होना चाहिए। ये गैस का जो फ्लेम है वो अभी लो पे ही है। तो बस अब जब मैं ये कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दूंगी तो उसके बाद इसका फ्लेम जो है वो मैं हाई करूंगी। तो अब कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फटाफट से इसको हम मिक्स कर लेंगे। टाइम नहीं लगाइएगा, नहीं तो कई बार नीचे लम्स भी बन जाते हैं, तो इसलिए जैसे ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे फटाफट से इसको मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद आप मुश्किल से आधा मिनट और इसको दीजिएगा और आधे मिनट में आपका सूप एकदम बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। जो इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस आपको वैसी ही कंसिस्टेंसी मिल जाएगी इसकी। अब लास्ट में अगर आपके पास अवेलेबल हो तो थोड़े से स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो ऊपर से डाल दीजिएगा। और बस इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद गर्मा गर्म ये सूप को सर्व करेंगे। तो होप आज की ये सूप की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।